आप अग्निशमन के दौरान पेट्रोल पंप पर एक फायर फाइटर को फ्यूल स्टेशन पर एल्यूमिनाइज फायर प्रॉक्सिमिटी सूट पहनकर फ्यूल की आउटगोइंग वाल्व को बंद करते देख सकते हैं। तीन व्यक्ति जो आग की चपेट में आए थे उनमें दो व्यक्ति जमीन पर लेटकर रोलिंग करके बचाते हैं स्वयं को तथा एक व्यक्ति को फायर फाइटर द्वारा इंप्रोवाइज ब्लैंकेट तथा उपलब्ध संसाधनों की सहायता से सुरक्षित रेस्क्यू किया गया तथा प्राथमिक उपचार हेतु भेज दिया गया। और इसी बीच इस आग की हीट रेडिएशन के कारण नजदीक के गैस पाइपलाइन के फ्लेंज में गैस लीक होकर स्पार्क होने से आग लग गई है। मौजूद अग्निशमन दस्ता फायर टेंडर बैकपैक फोम एयर कंप्रेस सिस्टम के साथ फायर फाइटिंग हेतु अग्रसर है, परंतु हीट रेडिएशन तथा क्लोरीफिक वैल्यू अत्यधिक होने के कारण आग के समीप जाकर फायर फाइटिंग कर पाना लगभग असंभव है। स्थिति से निपटने के लिए ऑपरेटर द्वारा एल्यूमिनाइज फायर प्रॉक्सिमिटी सूट पहनकर फ्लेंज के वाल्व को बंद किया जा रहा है। एक छोटी सी चूक और कुछ ही सेकंडों में भीषण आपदा की स्थिति हो सकती है। और इसी बीच नजदीक के एलपीजी बुलेट में भी आग लग गई है और इस एलपीजी बुलेट के साथ ही अत्याधुनिक फायर फाइटिंग ड्रोन आप देख सकते हैं फायर फाइटिंग के लिए तैयार हो चुका है। एलपीजी बुलेट की आग को नियंत्रित करने के लिए वाटर फाइन स्प्रे करते हुए बुलेट के तापमान को नियंत्रित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ऑटोमेटिक वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम का भी प्रयोग किया जा रहा है, साथ साथ रोबोटिक मॉनिटर को भी आप फायर फाइटिंग करते हुए देख सकते हैं। अत्याधुनिक तकनीक, रोबोटिक मॉनिटर तथा फायर फाइटिंग ड्रोन। और इसी बीच मैदान के मध्य में एक हाई राइज बिल्डिंग में धुएं का गुबार आग की लपटें उठती हुई दिखाई दे रही हैं। इस इमारत के सामने एक सर्विस बिल्डिंग भी कोलैप्स हुई है। सूचना पाते ही सीआईएसएफ का अग्निशमन दस्ता तथा एनडीआरएफ घटनास्थल पर पहुंचते हैं। सीआईएसएफ अग्निशमन दस्ते के साथ भिलाई स्टील प्लांट का अग्निशमन दस्ता हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म के साथ राहत एवं बचाव कार्य हेतु पहुंचता है। सीआईएसएफ मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर टीम भी घटनास्थल पर पहुंचती है। मैदान के मध्य में जंपिंग कुशन की सहायता से घायलों को सुरक्षित बचाने का प्रदर्शन। सीएसएसआर टीम घटनास्थल पर पहुंचकर परिस्थिति का जायजा लेती है। स्थिति से निपटने के लिए इमरजेंसी रेस्क्यू टेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें अत्याधुनिक तकनीक वाले उपकरण जैसे थर्मल इमेजिंग कैमरा, नाइट विजन बाइनोक्युलर इत्यादि मौजूद हैं। अंदर मिली जानकारी के अनुसार एक घायल व्यक्ति मौजूद है। हेलिंग सर्च तथा सर्च कैमरा की सहायता से विक्टिम की लोकेशन को आइडेंटिफाई किया गया। आपदा प्रबंधन टीम के द्वारा 70 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज को रोटरी रेस्क्यू सॉ तथा रेसिप्रोकेटिंग सॉ की सहायता से बखूबी काटा गया। हाइड्रोलिक कटर की सहायता से रॉड कटिंग करके फोर्सिबल एंट्री की जाती है। ऐसी संरचना में प्रवेश करते समय खतरों का सामना करना पड़ सकता है। उजागर और ऊर्जावान विद्युत तारे, प्राकृतिक गैस का रिसाव, ज्वलनशील जहरीला वातावरण, संरचनात्मक अस्थिरता, ऑक्सीजन की कमी और इन सब चुनौतियों के बावजूद घायल को सुरक्षित निकाला गया। अब मैं आपका ध्यान ई विंग की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। सामने रखे एनहाइड्रस अमोनिया के टैंकर में तेजी से गैस का रिसाव हो रहा है। यद्यपि एनहाइड्रस अमोनिया गैस एक रंगहीन गैस है, परंतु प्रदर्शन की दृष्टि से इसे लाल रंग का दिखाया जा रहा है। ऑफसाइट इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है। प्रोटोकॉल के अनुसार एनडीआरएफ, एसटीआरएफ, स्टेट फायर सर्विस, स्टेट पुलिस इत्यादि भी घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है, साथ साथ वाटर कर्टन बनाया गया है जिससे गैस के फैलाव को सीमित रखा जा सके तथा गैस का प्रभाव बचाव कर्मियों को नुकसान न पहुंचा सके। अग्निकर्मियों ने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे ब्रीदिंग अपरेटर सेट, विभिन्न प्रकार के केमिकल सूट को पहना है जो जहरीले तथा दूषित वातावरण में बचाव कर्मी को सुचारू रूप से कार्य करने में सक्षम बनाते हैं। और इसी बीच आप देख सकते हैं डिजास्टर सिचुएशन के कारण फॉल्ट होने से इंडस्ट्री के ट्रांसफार्मर में आग लग गई है। ट्रांसफार्मर की आग पर नियंत्रण के लिए रोबोटिक मॉनिटर का इस्तेमाल किया जाएगा। रोबोटिक मॉनिटर की सहायता से फाइन वाटर स्प्रे करके इसके तापमान को नियंत्रित किया जा रहा है। तापमान नियंत्रण के साथ साथ इसी ट्रांसफार्मर में इनबिल्ट ऑटोमेटिक हाई वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम के इस्तेमाल से इस आग पर काबू पाया जाएगा। इसका उद्देश्य वाटर फाइन ड्रॉपलेट्स के इस्तेमाल से इमल्सिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा अग्नि पर नियंत्रण स्थापित करना है। आप देख सकते हैं रोबोटिक मॉनिटर अग्निशमन कार्य में संलग्न है।
जहां फायर फाइटर का जा पाना संभव नहीं होता है, वहां अत्याधुनिक तकनीक रोबोटिक मॉनिटर की सहायता से अग्निशमन कार्य किया जाता है और इस प्रकार सभी अग्नि दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया गया। प्रदर्शन के अंतिम चरण में आपके समक्ष प्रस्तुत है ब्रांच डेमोन्स्ट्रेशन। आपके समक्ष अद्भुत हृदय स्पर्शी दृश्य कुछ ही क्षणों में प्रस्तुत किया जाएगा। CISF के इन जाबाज अग्निशमन कर्मियों के निष्ठाभाव और कर्तव्य परायणता को देखकर मानो प्रतीत हो रहा है, साक्षी रहे संसार करता हूं प्रतिज्ञा पाठ में, पूरा करूंगा कार्य कथनानुसार यथार्थ में, अथवा अधिक कहना वृथा है पार्थ का प्रण है यही, साक्षी रहे सुन यह वचन रवि शशि अनल अंबर मही, यदि अपने कर्तव्य पथ पर मैं अटल ना रहूं तो शपथ लेता हूं स्वयं ही इस अनल में जल मरूं। ब्रांच डेमोन्स्ट्रेशन। अद्भुत प्रदर्शन के साथ ही यह कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आप सभी का यहां पधारने के लिए कोटिशा